पहले सस्ते राशन के दाम बढ़ाए, फिर बिजली के, और अब बस किरायों में बढ़ोतरी करके भाजपा सरकार ने जनता के ऊपर कुठाराघात किया है। जहां केंद्र सरकार भी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी करके जनता को लूट रही है, वहीं प्रदेश भाजपा सरकार भी मोदी सरकार का अनुसरण करते हुए जनता पर बोझ डालने के काम में लगी है। ये प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने जारी एक विज्ञप्ति में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा सरकारें जन कल्याण की परिभाषा ही भूल गई हैं, जनता का खून चूसने पर उतारू हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार बताए कि जो केंद्र से 20 लाख करोड़ देने की डिंगे हांकी जा रही थी, वो पैसा कहाँ गया? धरातल पर स्थिति इतनी बदतर क्यों हो चुकी है? दीपक शर्मा ने कहा कि मोदी जयराम सरकारें असंवेदनशील हो चुकी हैं, आम जनता का दर्द इन्हें नजर नहीं आता है। अफसोस की बात है कि राहत बड़े घरानों को दी जा रही है, मध्यम वर्ग को कर्ज का तड़का और गरीब जनता को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देकर छुटकारा पाया जा रहा है। ये स्थिति चिंताजनक है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौर में जनता को एक भी राहत प्रदान न करके गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाई है। सरकार का ये रवैया कल्याणकारी राज्य की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा सरकारों के जनविरोधी फैसले ये दर्शाते हैं कि इन्हें आमजन से कुछ लेना देना नहीं है, ये मात्र पूंजीपतियों की सरकार है। दीपक शर्मा ने कहा कि महामारी के संकट काल में किसान, बागवान, मजदूर, युवा, छात्र, मध्यम वर्ग, छोटा व्यापारी सहित सभी वर्ग आहत और प्रभावित हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकारों ने केवल बड़े पूंजीपतियों को करोड़ों रुपए की राहत दी। बाकी किसी भी वर्ग को कोई राहत देने की बजाय मात्र जुमलों की घुट्टी पिलाने का ही काम किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस विकट स्थिति को देखते हुए कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जिस तरह पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, उसी तरह इन जन विरोधी फैसलों के खिलाफ विरोध दर्ज करने सड़कों पर उतरेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किरायों में की गई बढ़ोतरी जन विरोधी फैसला है। इससे पहले भी ये सरकार जन विरोधी फैसले लेते रही है, चाहे वो सस्ते राशन के डिपुओं की बात हो, वहाँ पर मध्यम वर्ग के लिए राशन में कटौती की गई, ऊपर से डिपुओं में सस्ते राशन के रेट बढ़ाए गए, बिजली के बिल बढ़ाए गए। केंद्र सरकार की बात करें तो गैस सिलेंडर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद डीजल और पेट्रोल के दामों में जिस तरह से हर दिन बढ़ोतरी की जा रही है, जनता को लूटा जा रहा है, वहाँ पर भी जो है वो आम जनता के ऊपर मार पड़ी है। यानी कि ये दोनों ही सरकारें, केंद्र और प्रदेश सरकारें, जन विरोधी फैसले लेकर जनता के साथ असंवेदनशीलता का व्यवहार कर रही है। कोरोना संकट काल में होना तो ये चाहिए था कि राहत प्रदान की जाती। आज हम पूछना चाहते हैं जयराम सरकार जी से कि आप ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो राग अलाप रहे थे, वो पैसा कहाँ गया? आज जनता को राहत देने की जगह आपने उल्टा इस ढंग का फरमान जारी किए हैं कि राहत अगर मिली है तो बड़े बड़े घरानों को उनके लोन माफ़ करके करोड़ों रुपए का उनको राहत दी गई है। मध्यम वर्ग के लिए आपने ऋण का एक शगुफा छोड़ा है कि आप ऋण ले लो, उनको ऋण लेने की बात कहकर आपने पल्ला झाड़ लिया है, और जो गरीब वर्ग है उसको आत्मनिर्भर बनने का जुमला छोड़कर आप जो हैं किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के ऊपर पूरे देश में आंदोलन कर रही है, निस्संदेह उसी तरह हम इन सब जन विरोधी फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जनता को आ रही समस्याओं के प्रति निस्संदेह हम संवेदनशील हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।